नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पूजा वर्मा। आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। आजादी के 75वें अमृत महोत्सव एवं हर घर तिरंगा जागरूकता को लेकर जिला जज तेज प्रताप तिवारी के नेतृत्व में जिलाधिकारी एसएसपी एसपी सिटी सहित अन्य न्यायाधीशों संग हरी झंडी दिखाकर प्रभात फेरी को किया गया रवाना। की अपील, कहा सभी लोग अपने अपने घरों पर जरूर लगाएं तिरंगा झंडा। एमएड प्रवेश परीक्षा के उत्तर पुस्तिका में माइनस मार्किंग को लेकर गोरखपुर विश्वविद्यालय के छात्रों ने किया विरोध प्रदर्शन। माइनस मार्किंग को गोरखपुर विश्वविद्यालय प्रशासन से हटाने की मांग। निपुण भारत के मंडलीय कार्यशाला का मंडलायुक्त रवि कुमार एनजी की अध्यक्षता में किया गया आयोजन। बच्चों को निपुण बनाने के लिए दी गई जानकारी, कहा 2026 तक सभी छात्रों को निपुण बनाने का है लक्ष्य। हर घर तिरंगा कार्यक्रम के तहत एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने अनुचर शिवचंद के आवास पर तिरंगा ध्वज फहराकर अभियान का किया शुभारंभ। एसपी सिटी ने कहा 11 अगस्त से 17 अगस्त तक पुलिस के सभी कार्यालय पर फहराया जा रहा है तिरंगा। विभिन्न कार्यक्रम किए जा रहे हैं आयोजित। जनपद में चल रहे विकास कार्यों की जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश ने विकास भवन के सभागार में की समीक्षा बैठक। कार्यों की प्रगति की धीमी गति पर जताई नाराजगी, कार्यों को समय अवधि में पूरा करने के लिए दिए निर्देश। आजादी का अमृत महोत्सव के अवसर पर नगर निगम द्वारा 12 किलोमीटर लंबी मिनी तिरंगा मैराथन प्रतियोगिता का किया गया आयोजन। 450 से ज्यादा युवाओं ने किया प्रतिभाग। नगर आयुक्त अविनाश सिंह ने कहा आम लोगों के मन में देशभक्ति की नई भावना को जागृत करने के उद्देश्य के लिए तिरंगा मैराथन हुआ आयोजित। चोरी के सामान के साथ एक शातिर चोर अमरधन चौहान को शाहपुर पुलिस ने किया गिरफ्तार। 3 मोबाइल, चार्जर, 3500 रुपए नगद किया बरामद, भेजा जेल। हर घर तिरंगा अभियान के तहत महानगर के सभी वार्डों में भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी महानगर के कार्यकर्ताओं द्वारा निकाली गई प्रभात फेरी। अमर शहीद भगत सिंह की मूर्ति पर माल्यार्पण कर किया प्रभात फेरी का समापन। कहा देश के हर नागरिक अपने घरों पर भारत की आन बान शान के लिए लगाए तिरंगा झंडा। आम जनमानस में राष्ट्रीयता की भावना और राष्ट्रप्रेम के तूफान को एक नई दिशा देने के लिए एक निजी मॉल में सशस्त्र सीमा बल के जवानों द्वारा म्यूजिकल बैंड ने आजादी की मधुर धुन बजाकर लोगों को किया जागरूक। एसएसबी के डीआईजी राजेश लांबा ने कहा हर घर तिरंगा लगाना है राष्ट्रप्रेम की भावना, देश की प्रगति के लिए अपना करे योगदान। हर घर तिरंगा कार्यक्रम के तहत सेंट एंड्रयूज इंटर कॉलेज के तत्वावधान में महानगर में निकाली गई प्रभात फेरी यात्रा। लोगों को 11 अगस्त से 17 अगस्त तक अपने घरों पर तिरंगा फहराने के लिए किया गया जागरूक। और उत्तर प्रदेश मेडिकल एंड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने जिलाधिकारी के माध्यम से प्रधानमंत्री को प्रेषित किया ज्ञापन। श्रम कानूनों में छेड़छाड़ पर रोक लगाने की मांग। अब खबरें विस्तार से। आजादी के 75वें अमृत महोत्सव एवं हर घर तिरंगा जागरूकता को लेकर जिला जज तेज प्रताप तिवारी के नेतृत्व में दीवानी न्यायालय से प्रभात फेरी को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जिसमें जिला विद्यालय निरीक्षक, एनसीसी, स्काउट गाइड और एडी स्कूल की छात्राओं ने हाथ में तिरंगा झंडा लेकर प्रभात फेरी में भाग लिया तथा छात्राओं ने लोगों से अपील किया कि सभी लोग अपने घरों पर तिरंगा जरूर लगाएं। जिसके संबंध में जिला जज तेज प्रताप तिवारी ने बताया कि पूरा देश आजादी के 75वें वर्ष में अमृत महोत्सव मना रहा है। इस महोत्सव में पूरा देश एकजुट हो गया है और राष्ट्र के प्रति श्रद्धा एवं देशभक्ति प्रदर्शित कर रहा है और आने वाला 15 अगस्त भारत एक नया कीर्तिमान करेगा तथा आगे भी सभी ऊंचाइयों को छुएंगे। इस दौरान जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश, एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर, एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई सहित अन्य अधिकारी एवं न्यायाधीश मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिला जज तेज प्रताप तिवारी ने कहा
आए क्या डीम साहब जैसा कि आपको पता है आज़ादी के 75वें वर्ष में हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं। पूरा देश एकजुट हो गया है और आप जोश देख सकते हैं बच्चों में। ये राष्ट्र के प्रति इनकी श्रद्धा, इनकी भक्ति, इनकी निष्ठा प्रदर्शित कर रहा है। मेरे पूरे देशवासियों को शुभकामना है कि आने वाला हमारा 15 अगस्त भारत एक नया कीर्तिमान करेगा और आगे भी हम सभी ऊंचाइयों को छुएंगे। सर, हर घर तिरंगा को लेकर नागरिकों से अपील करना है। आपको पता ही है भारत सरकार ने ये हर घर तिरंगा का जो स्लोगन दिया है, तो मैं भी अपील करता हूँ कम से कम गोरखपुर वासियों से कि देश के प्रति यह एक ऐसा अवसर है, इसको राष्ट्रीय उत्सव समझकर सभी एकजुट होकर के कुछ ऐसा अच्छा करें, पूरे संसार को एक अच्छा मैसेज जाए। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के कला संकाय विभाग में एमएड प्रवेश परीक्षा में माइनस मार्किंग किए जाने के विरोध में छात्र छात्राओं द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया, जिसके संबंध में गोरखपुर विश्वविद्यालय के प्रोफेसर उदय प्रताप सिंह ने बताया कि बीएड परीक्षा के उत्तर पुस्तिका पर गलती की वजह से माइनस मार्किंग हो गया है, जिससे छात्र नाराज हैं। विश्वविद्यालय प्रशासन छात्रों से बात करने का प्रयास कर रहा है, जल्द ही छात्रों की मांगों को पूरा कर दिया जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए गोरखपुर विश्वविद्यालय के प्रोफेसर उदय प्रताप सिंह ने कहा, मान देना पड़ेगा।
पुस्तिका पे कुछ जो है ना गलती हो गई है माइनस मार्किंग को लेके, उससे बच्चे आक्रोशित हैं, हम लोग उसको हैंडल कर रहे हैं, तो उसका किया जाए, देखिए क्या रास्ता निकलता है, अभी तो हम लोग प्रयासरत हैं। थैंक यू। मंडलायुक्त रवि कुमार एनजी की अध्यक्षता में योगी बाबा गंभीर नाथ प्रेक्षा गृह में निपुण भारत मंडलीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसके संबंध में महाराजगंज के जिलाधिकारी सतेंद्र कुमार ने बताया कि प्रदेश में बेसिक शिक्षा विभाग के द्वारा मंडल स्तर पर एक कार्यक्रम किया जा रहा है, जो कि निपुण भारत लक्ष्य पर किया जा रहा है, जो कि भारत सरकार की योजना है। 2026 तक सभी बच्चों को निपुण बनाना है, जिसके लिए कार्यशाला आयोजित की जा रही है। अध्यापकों को बताया जा रहा है कि किस तरह विद्यालय में बच्चों को पढ़ाकर निपुण बना सकते हैं। इस अवसर पर सीडीओ महाराजगंज गौरव सिंह सोगरवाल, बीएसए रामेंद्र सिंह सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिलाधिकारी महाराजगंज सतेंद्र कुमार ने कहा, एक टीचर थे और उनके पास उनके 5 विद्यार्थी थे, जो 5 पांडव थे, सबके अंदर उनकी अपनी अलग अलग दक्षताएं थी। हम लोगों को इस 45 को बढ़ा के 50 करना है। क्वार्टर 4 में वो 52%, 4-4, 5-5, 2-3% बढ़ाते बढ़ाते हम लोगों को 2026 तक 100% तक पहुँचना है। ये बता रहे बाल वाटिका आंगनवाड़ी केंद्रों के रूप में लेके जाना है, काफी चर्चाएं सबने कर दी हैं और पीडी साहब ने अपना बताया है ऑपरेशन कायाकल्प का। यहाँ पे मैं 2-4 चीजें मैं बताना चाहूंगा, प्रेजेंटेशंस है, बाकी प्रेजेंटेशंस में काफी हमने डेटा रखा है, पर 2-4 चीजें जो हमने एक्सपीरियंस किया पिछले 1.5 साल के अंदर, जो कायाकल्प में जो हमें चुनौतियां आई और जो जो हमें फीडबैक मिले हमारे टीचर्स से, हमारे स्टूडेंट्स से, हमारे अभिभावकों से, हमारे वीडियो से, वो मैं शेयर करना चाहूंगा आपके साथ, ताकि हमें लगता है कि एक्सपीरियंस शेयर करेंगे तो हमें जो अभी आंगनवाड़ी और विद्यालय जो रह गए हैं उसको कैसे कर पाए। तो सबसे पहले हमने देखा कि हम जब हम कायाकल्प की बात करते हैं तो 2 इश्यूज हमेशा आते हैं, बेसिक शिक्षा और पंचायती राज डिपार्टमेंट का कोऑर्डिनेशन। तो उसके लिए जैसे हम जैसे डीएम सर की अध्यक्षता में, डीएम सर के मार्गदर्शन में हम लोग काम करते हैं, लेकिन ग्राउंड लेवल पे अभी भी ये इश्यूज बड़े पर्टेनिंग होते हैं। बेसिक शिक्षा मतलब पंचायती राज में कहते हैं कि टीचर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि एक बार हमने कुछ बना दिया फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर तो उसको मेंटेन करें, और बेसिक शिक्षा में हमारे टीचर्स का ये कहना है कि प्रधान और सचिव जो होते हैं वो मेंटेन नहीं करते, एक बार बना के चले जाते हैं। तो हमें ग्राउंड लेवल पे इस चीज को, जो हम डिस्ट्रिक्ट पे या ब्लॉक पे जो हमारा कोऑर्डिनेशन है एबीएसएस और वीडियोस का और जो बीएसएस और सीडीओस का, वो ग्राम पंचायत लेवल तक उसको पहुंचाना है। अभी भी इसमें थोड़ी सी कमी है, उसको हमें आइडेंटिफाई करना है और दोनों को एक टेबल पे बिठा के इस चीज को हमें सॉर्ट आउट करना है। एक ये एक्सपीरियंस था, आज भी हमें ये मिलता है। दूसरा, आंगनवाड़ी केंद्रों का कायाकल्प। अभी हमने महाराजगंज में सर के निर्देशन में हम लगभग 800 से अधिक हमारे आंगनवाड़ी केंद्र हैं, जिसमें से 197 आंगनवाड़ी केंद्रों पर कायाकल्प का काम चालू हो चुका है। लगभग 70-80 आंगनवाड़ी केंद्र हम कायाकल्प कर चुके हैं। कायाकल्प करने के बाद उसको स्कूल के साथ, जिस विद्यालय में हमारा आंगनवाड़ी केंद्र है उस विद्यालय के साथ उसको हमें अटैच करना है, और जो जो चीजें स्कूल के लेवल पे हैं वो उनको बतानी है, और सेंस ऑफ ओनरशिप
कि ये विद्यालय मेरा है, प्रधान के लिए भी, सेक्रेटरी के लिए भी, और हमारे उस हर शिक्षक के लिए जो शिक्षा जो उस विद्यालय में पढ़ाता है। तो सेंस ऑफ ओनरशिप एक बार जब डेवलप कर लेंगे तो मुझे लगता है ये छोटे जो छोटे मोटे जो इश्यूज रहते हैं वो सब खत्म हो जाएंगे। और ये जो लर्निंग आउटकम्स की बात कर रहे हैं सर ने, जो पूरा निपुण भारत का आपको लेक्चर दिया, पूरा बताया समझाया विस्तृत तौर पे, तो वो हम तब डेवलप कर पाएंगे जब हमारे अंदर सेंस ऑफ ओनरशिप होगा। तो अभी जो हमने एक निदेशालय से आया था कि हर अधिकारी को गोद लेने का, हर विद्यालय को गोद लेना है, तो हमने कई सारे विद्यालयों को गोद लिया। हमने पहले ही 12 विद्यालय, हर ब्लॉक में हमने एक एक विद्यालय को ओन योर स्कूल, एक थीम बनाया, ओन योर स्कूल, आप अपने स्कूल को ओन करें। तो उस विद्यालय को हमने एक मॉडल विद्यालय की तरफ पे डेवलप कर रहे हैं। वक्त कम होता है मगर उस वक्त में हम लोगों को बहुत कुछ सीखना भी है। ये मंडलीय कार्यशाला है और इस मंडलीय कार्यशाला के बाद, क्योंकि आप लोग आपके अत्यमूल्य समय यहाँ बिता रहे हैं, यहाँ से हम लोग निकलने के बाद मेरे लाइफ में कोई बदलाव नहीं हुआ है 1%। फिर इतने टाइम यहाँ बैठने का कोई औचित्य नहीं, इसीलिए मैं जनरली एडी बेसिक साहब को और सभी को कहते रहता हूँ, जब भी हम लोग बुलाते हैं 30 लोगों का या 35 लोगों का छोटा छोटा बैच बुला लीजिए, क्योंकि लोग कॉन्सेंट्रेट करके हम लोग जो भी कर रहे हैं इसका सदुपयोग क्यों हम लोगों को यहाँ बैठना चाहिए, एक दिन पूरा दिन रहना चाहिए। आप लोग भी बहुत सुबह से बहुत लोगों का लेक्चर सुन सुन करके, क्योंकि एक लिमिट के बाद सुनने का भी टाइम निकल जाता है, ऊपर चलना शुरू हो जाता है। फिर हम लोगों को आजकल डिस्ट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा है कि हम लोग दूसरा चीज़ को देखना या बगल की बातें करते रहने में मजा आता है। शिक्षा बहुत इम्पोर्टेंट है, एक देश की बुनियादी में दो चीज बहुत इम्पोर्टेंट है, चाहे वो हम लोग कंपेयर करें वेस्टर्न कंट्रीज को या दक्षिण भारत की किसी भी स्टेट्स को ले लेंगे, डिफरेंस क्यों है। आप ही लोग बहुत लोग जाते हैं, हमारे इंजीनियर्स डॉक्टर्स जितने भी लोग जाते हैं वो कहते हैं कि सर हम आपके स्टेट में गए हुए थे, हमने देखा है सब बहुत अच्छा है। क्या फर्क है, कौन सी ऐसी चीज है कि हम लोगों ने देखा है वहां पे और वहां पे चल रही है और यहाँ पे हम लोग कर नहीं पा रहे। किसी भी स्टेट, किसी भी जगह, किसी भी प्रदेश, किसी भी जिला अच्छा करना है तो बहुत इंपॉर्टेंट अमूल्य चीज होता है कि शिक्षा और स्वास्थ्य, ये दो चीज सुधर जाए, ये दो चीज सुधर जाए तो इस उस प्रदेश की नक्शा ही बदल जाता है। ये दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है और ये इस देश की बुनियादी है। बहुत बार हम लोगों को लगता है क्या फर्क पड़ता है कि ठीक है साहब ये बच्चे पढ़े ना पढ़े, ठीक है हमारा बच्चा केवल पढ़ रहे, हमारा बच्चा कौन सी स्कूल में चाहिए, हमारा बच्चा जाना चाहिए अच्छे नॉर्मल स्कूल में जाना चाहिए, LFS में जाना चाहिए, इन्हीं चीजों में जाना चाहिए, और दूसरे के बच्चे कोई बात नहीं सर पढ़े ना पढ़े। बट हम ये भूल जाते हैं जो वहां अच्छा नहीं पढ़ रहा है उसका इमोशनल क्वोशेंट नहीं है, वो कल क्या बनेगा और क्या आपकी बच्चा सुरक्षित रहेगा, हम ये भूल जाते हैं। कभी भी कितने भी क्राइम हुआ है, मैं तो बहुत साल से फील्ड नहीं हूँ, फील्ड में बहुत जिला भी कर चुका हूँ और जिले के बावजूद भी मैं जितने भी क्राइम चीज है थाने से लेकर के कप्तान से लेकर के सब लोगों से मेरा इंटरेक्शन होता था, मैं खुद देखता था। क्या इसमें शिक्षा का कोई महत्व नहीं है, बहुत है। हमारे लिए, हमारा आगे की पीढ़ी के लिए अच्छे प्रदेश छोड़ के जाना है, अच्छे जिला छोड़ के जाना है, तो आप सबका दायित्व है, हम सबका दायित्व है, इसीलिए कृपया इसको
अन्यथा ना लीजिए कि आप लोगों का सबका दायित्व है यहाँ पे हर चीज क्राइम कंट्रोल करना है या एक बच्चे को अच्छी तरीके से इमोशनल पोषण मिलना है, ठीक है, वो बच्चा अच्छी तरीके से रहना है, उसको सोच समझ में आना चाहिए क्या गलत है क्या सही है। शिक्षा केवल मार्क्स लेना, शिक्षा केवल किसी भी 90% लेना, शिक्षा केवल मैं सेटल हो गया हूँ, मैं कोई नौकरी पा लिया हूँ, इसमें ही खत्म नहीं होता है। एक अच्छे नागरिक बनाने के लिए साथ ही साथ कार्यशाला की या कार्य रूपरेखा और समय लेके शासन बेसिक शिक्षा विभाग के द्वारा हर मंडल स्तर पर एक कार्यक्रम दिया जा रहा है जिसमें कि निपुण भारत लक्ष्य जो भारत सरकार ने तय किए हैं जिसके आधार पर हम लोग को 2026 तक सभी बच्चों को उनके अधिगम स्तर हैं वो पहुंचाना है, उसके लिए कार्यशाला आयोजित की जा रही है। वो आज आयोजन हमारे गोरखपुर मंडल में हो रहा है, यहाँ पे सभी जनपदों के CDO साहबान, DM साहबान, बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारी कर्मचारी, अन्य विभागों के अधिकारी कर्मचारी यहाँ उपस्थित हैं। उन लोगों को इस पूरे अभियान के बारे में, ऑपरेशन कायाकल्प के बारे में, निपुण भारत लक्ष्य के बारे में बताया जा रहा है और ये किया जा रहा है कि 2023 SSP डॉक्टर गौरव ग्रुवर ने हर घर तिरंगा कार्यक्रम के तहत अनुचर शिवचंद के आवास पर तिरंगा ध्वज फहराकर अभियान का शुभारंभ किया, जिसके संबंध में SP सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने बताया कि शासन द्वारा दिए गए निर्देशों के आधार पर आजादी के 75वें अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में पुलिस लाइन व हर पुलिसकर्मी के आवास पर तिरंगा फहराकर शुभारंभ किया गया। उन्होंने कहा आने वाले 15 अगस्त तक विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है जिसमें पुलिस का हाफ मैराथन, पुलिस जवानों द्वारा तिरंगा रूट मार्च, बच्चों का सम्मान, अच्छा काम करने वाले जवानों का सम्मान, UP 112 द्वारा तिरंगा मार्च, सामूहिक राष्ट्रगान, स्वतंत्रता दिवस पर झंडारोहण, शहीद पुलिस परिवारजनों का सम्मान, तिरंगा फुट पेट्रोलिंग सहित अन्य कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए SP सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने कहा जनपद गोरखपुर में शासन द्वारा दिए गए निर्देशों के आधार पर एवं आज़ादी के अमृत महोत्सव और आज़ादी के 75 साल पूर्ण होने के उपलक्ष्य में पुलिस लाइन गोरखपुर एवं हर पुलिसकर्मी के घर एवं आवास पर प्रातः में तिरंगा फहराया गया एवं उसके बाद में एक रैली भी है वो जिला न्यायाधीश के कार्यालय से भी निकाली गई जिसमें जिला जज, DM महोदय और SSP महोदय द्वारा उस रैली को शुभारंभ किया गया एवं इसी के साथ साथ पुलिस द्वारा आने वाले 15 अगस्त तक कई प्रकार के कार्यक्रम हैं वो लाइनअप किए गए हैं, उसका स्केड्यूल है वो आमजन में जारी कर दिया गया है और मैं उम्मीद करता हूँ कि इसी हर्षोल्लास के साथ आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जाएगा। थैंक यू। जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश ने विकास भवन के सभागार में विकास कार्यों के प्रगति की समीक्षा बैठक की। इस दौरान जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश ने कोविड वैक्सीनेशन के प्रगति की समीक्षा करते हुए कहा कि जनपद में वैक्सीनेशन की गति बहुत धीमी है, इसके अलावा डॉक्टर भी समय से CSC व PSC पर नहीं पहुँच रहे हैं। उन्होंने नाराजगी व्यक्त करते हुए CMO को निर्देश दिया कि डॉक्टर समय से स्वास्थ्य केंद्रों पर पहुँचे जिससे लोगों का समय से इलाज हो सके। उन्होंने जनपद में चल रहे विकास कार्यों पर चर्चा करते हुए कहा कि कार्यों की गति बहुत धीमी है, सभी कार्यों को समय अवधि में पूरा किया जाए। इस अवसर पर CMO डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। ये दावे आप लोग डील करते हो या इंश्योरेंस कंपनी ले रही है? सर ये कंपनी है, हमारा विचार तो बता रहे चारों व्यक्ति के वैक्सीनेशन है जब खुद गणना हुई उसके आधार पर सही है दिख रहा है सारी क्षेत्रों से सारी क्षेत्र में तो उसका जवाब आप तो लोग बना के भेजते रहते हैं बट टाइम को जवाब नहीं दे पाते, तो पहले ही कर लीजिएगा तो अच्छा रहेगा।
बहुत सही है आपसे निराश्रित जो बाहर आठ रहे हैं वो भी आठ ढूंढ लीजिए वो तो है सर ये क्योंकि 31 जुलाई तक है अभी तक कितना हुआ ये 31 जुलाई तक है अभी तक कितना हुआ आज तक हो गया है 2,72,282 2,76 हो गया जी जी वार्षिक लक्ष्य देखो जो 88,000 आया है ना वो अभी कल आया है इसलिए बोलनी पड़ेगी क्या 88,000 क्या है 88,000 रोज HSD है नहीं वो तो ठीक है वार्षिक लक्ष्य 2,76,000 है 2,67,000 है ना आपका 19 लाख आज़ादी का अमृत महोत्सव के अवसर पर नगर निगम द्वारा तिरंगा मैराथन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया जिसमें 450 से ज्यादा युवाओं ने प्रतिभाग किया। महापौर सीताराम जायसवाल एवं नगर आयुक्त अविनाश सिंह ने हरी झंडी दिखाकर प्रतिभागियों को मैराथन के लिए रवाना किया जो नगर निगम से प्रारंभ होकर गोलघर शास्त्री चौक ट्रांसपोर्ट नगर फल मंडी रुस्तमपुर चौराहा देवरिया बाईपास पैडलेगंज चौराहा मोदीपुर चौक विश्वविद्यालय चौराहा पुलिस लाइन काली मंदिर तिराहा होते हुए नगर निगम के मुख्य गेट पर समाप्त हुए। प्रथम विजेता को 51,000 एवं द्वितीय पुरस्कार 31,000 तथा तृतीय पुरस्कार 21,000 के साथ सील्ड मेडल प्रमाण पत्र दिया गया है। जिसके संबंध में नगर आयुक्त अविनाश सिंह ने बताया कि पूरा देश आजादी का 75वां अमृत महोत्सव मना रहा है जिसमें 12 किलोमीटर लंबी मिनी मैराथन का आयोजन किया गया। आज के तिरंगा मैराथन में आम लोगों के मन में देशभक्ति की नई भावना को जागृत करना और उनकी देश की एकता और अखंडता को मजबूत करना है यही हम सबका उद्देश्य है। उन्होंने कहा कि भविष्य में जब इस प्रकार का आयोजन किया जाए तो अधिक से अधिक संख्या में भाग लेकर अपना स्थान सुनिश्चित करें। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए नगर आयुक्त अविनाश सिंह ने कहा
डिवाइडरों पे व्यवस्था दुरुस्त रखे, सारे डिवाइडरों पे व्यवस्था दुरुस्त रखे। आज पूरा देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। पीछे के लोग ऑफिसियल अपने धावक के ही सुरक्षा में रहेंगे, क्योंकि रेत आधा आज पूरा देश आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहा है और पूरा देश इसे आज़ादी के अमृत महोत्सव के रूप में सेलिब्रेट कर रहा है। आज जो ये कार्यक्रम हो रहे हैं, इन कार्यक्रमों के माध्यम से पूरा देश आज़ादी के महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों, क्रांतिकारियों को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहा है। और उसी की कड़ी में जो दिनांक 11 तारीख से लेकर 17 तारीख तक हर घर तिरंगा कार्यक्रम चल रहा है, उसी की कड़ी में नगर निगम गोरखपुर ने भी 10 तारीख से लेकर 17 तारीख तक के तिथिवार कार्यक्रम आयोजित कर किए जा रहे हैं, जिनमें से कल आपने देखा होगा कि लगभग 400 से ऊपर चार पहिया वाहनों के माध्यम से तिरंगा वाहन रैली पूरे शहर में निकाली गई और शहर के लोगों के मन में आज़ादी के जो इस कार्यक्रम के प्रति एक नया जुलूस जुनून एक जोश पैदा करने का प्रयास किया गया। और आज जो है प्रातः 6 बजे से पूरे शहर में लोगों को एक आंदोलन के प्रति, स्वतंत्रता आंदोलन के प्रति एक नए जोशो खरोश भरने के लिए हम लोगों ने मिनी मैराथन का, जो कि 12 किलोमीटर लंबी थी, उसका आयोजन किया है। और उस आयोजन में जीतने वाले को हम लोग प्रथम पुरस्कार जो है वो 51,000 रुपये का, द्वितीय पुरस्कार जो है वो 31,000 रुपये का और तृतीय पुरस्कार जो है वो 21,000 रुपये का है। इसके साथ साथ हम लोग 10 कंसोलेशन कैश प्राइज भी हम लोग दे रहे हैं। इसका उद्देश्य ये है कि पूरे जो हमारी आज का तिरंगा मैराथन है, आम लोगों के मन में देशभक्ति की नई भावना को जागृत करना और उनके देश की एकता और अखंडता को मजबूत करना है। निश्चित रूप से यह एक ऐतिहासिक कार्यक्रम है और इससे हमारी देश की एकता और अखंडता को और भी बल मिलेगा। अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक पे जाने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। आजादी के 75वें अमृत महोत्सव एवं हर घर तिरंगा जागरूकता को लेकर जिला जज तेज प्रताप तिवारी के नेतृत्व में जिलाधिकारी, एसएसपी, एसपी सिटी सहित अन्य न्यायाधीशों संग हरी झंडी दिखाकर प्रभात फेरी को किया गया रवाना। की अपील, कहा सभी लोग अपने अपने घरों पर जरूर लगाएं तिरंगा झंडा। एमएड प्रवेश परीक्षा के उत्तर पुस्तिका में माइनस मार्किंग को लेकर गोरखपुर विश्वविद्यालय के छात्रों ने किया विरोध प्रदर्शन। माइनस मार्किंग को गोरखपुर विश्वविद्यालय प्रशासन से हटाने की मांग। निपुण भारत के मंडलीय कार्यशाला का मंडलायुक्त रवि कुमार एनजी की अध्यक्षता में किया गया आयोजन। बच्चों को निपुण बनाने के लिए दी गई जानकारी, कहा 2026 तक सभी छात्रों को निपुण बनाने का है लक्ष्य। हर घर तिरंगा कार्यक्रम के तहत एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने अनुचर शिवचंद के आवास पर तिरंगा ध्वज फहराकर अभियान का किया शुभारंभ। एसपी सिटी ने कहा 11 अगस्त से 17 अगस्त तक पुलिस के सभी कार्यालय पर फहराया जा रहा है तिरंगा, विभिन्न कार्यक्रम किए जा रहे हैं आयोजित।
जनपद में चल रहे विकास कार्यों की जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश ने विकास भवन के सभागार में की समीक्षा बैठक। कार्यों की प्रगति की धीमी गति पर जताई नाराजगी। कार्यों को समय अवधि में पूरा करने के लिए दिए निर्देश। आजादी का अमृत महोत्सव के अवसर पर नगर निगम द्वारा 12 किलोमीटर लंबी मिनी तिरंगा मैराथन प्रतियोगिता का किया गया आयोजन। 450 से ज्यादा युवाओं ने किया प्रतिभाग। नगर आयुक्त अविनाश सिंह ने कहा, आम लोगों के मन में देशभक्ति की नई भावना को जागृत करने के उद्देश्य के लिए तिरंगा मैराथन हुआ आयोजित। चोरी के सामान के साथ एक शातिर चोर अमरधन चौहान को शाहपुर पुलिस ने किया गिरफ्तार। 3 मोबाइल, चार्जर, 3500 रुपए नगद किया बरामद, भेजा जेल। हर घर तिरंगा अभियान के तहत महानगर के सभी वार्डों में भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी महानगर के कार्यकर्ताओं द्वारा निकाली गई प्रभात फेरी। अमर शहीद भगत सिंह की मूर्ति पर माल्यार्पण कर किया प्रभात फेरी का समापन। कहा, देश के हर नागरिक अपने घरों पर भारत की आन बान शान के लिए लगाए तिरंगा झंडा। आम जनमानस में राष्ट्रीयता की भावना और राष्ट्रप्रेम के तूफान को एक नई दिशा देने के लिए एक निजी मॉल में सशस्त्र सीमा बल के जवानों द्वारा म्यूजिकल बैंड ने आजादी की मधुर धुन बजाकर लोगों को किया जागरूक। एसएसबी के डीआईजी राजेश लांबा ने कहा, हर घर तिरंगा लगाना है राष्ट्रप्रेम की भावना, देश की प्रगति के लिए अपना करे योगदान। हर घर तिरंगा कार्यक्रम के तहत सेंट एंड्रयूज इंटर कॉलेज के तत्वावधान में महानगर में निकाली गई प्रभात फेरी यात्रा। लोगों को 11 अगस्त से 17 अगस्त तक अपने घरों पर तिरंगा फहराने के लिए किया गया जागरूक। और उत्तर प्रदेश मेडिकल एंड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने जिलाधिकारी के माध्यम से प्रधानमंत्री को प्रेषित किया ज्ञापन। श्रम कानूनों में छेड़छाड़ पर रोक लगाने की मांग। पेगस निशान गोरखपुर का एकमात्र निशान डस्टन का एक्सक्लूसिव शोरूम और वर्कशॉप। जी हाँ, सही सुना आपने। जिन गाड़ियों के खरीदने के लिए या सर्विसिंग के लिए आपको गोरखपुर से बाहर जाना पड़ता था, अब पेगस निशान लाए हैं ये सारी सुविधाएं एक ही छत के नीचे। पेगस निशान सेल्स सर्विसेज एंड स्पेयर्स, भारत पेट्रोलियम के अपोजिट, नौसर गोरखपुर। हमारी तरफ से विशेष ऑफर, निसान डस्टन गाड़ी की खरीद पर फ्री इंश्योरेंस, कंडीशंस अप्लाई। रॉयल लोगों की रॉयल पसंद रेड रॉयल चाय।
मटकू मंगलम टावर गोलघर के यहाँ कपड़े खरीदे भी, सिलवाए भी और ड्राईक्लीन भी करवाए। दो की ड्राईक्लीन पर एक कपड़ा मुफ्त। फ्री होम डिलीवरी और पिकअप के लिए कॉल करें 9044663300। ISL इंस्टीट्यूट फॉर सिंप्लीफाइड लर्निंग दिल्ली के वेल क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस टीचर्स द्वारा संचालित ISL इंस्टीट्यूट फॉर सिंप्लीफाइड लर्निंग खजांची चौक नियर स्पोर्ट्स कॉलेज गोरखपुर। स्पेशल कंसेशन इन फी फॉर EWS एंड BPL कैटेगरी स्टूडेंट्स। अधिक जानकारी के लिए हमारे इन दो मोबाइल नंबरों पर संपर्क कीजिए 8853596 46। दूसरा मोबाइल नंबर है 7905844992। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। शाहपुर थाने की पुलिस ने चोरी के मोबाइल के साथ एक शातिर चोर को गिरफ्तार किया है, जिसके संबंध में शाहपुर थाना प्रभारी रणधीर कुमार मिश्रा ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर एक अभियुक्त को नंदानगर क्रॉसिंग के पास से गिरफ्तार किया गया है, जिसकी पहचान अमरधन चौहान पुत्र बीचन चौहान निवासी नंदानगर दरगहिया थाना शाहपुर जनपद गोरखपुर के रूप में हुई है, जिसके पास से 3 मोबाइल फोन, मोबाइल चार्जर, 3500 रुपए नगद बरामद किया गया है। शाहपुर थाना प्रभारी ने बताया कि अभियुक्त के ऊपर थाने में मुकदमा पंजीकृत कर जेल भेज दिया गया है। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में शाहपुर थाना प्रभारी रणधीर कुमार मिश्रा, उप निरीक्षक अभय नारायण सिंह, कांस्टेबल मुकेश कुमार प्रजापति, अखिलेश कुमार यादव, मनीष कुमार शामिल रहे। भारतीय जनता पार्टी महानगर के कार्यकर्ताओं द्वारा एवं विधान परिषद सदस्य व क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉ. धर्मेंद्र सिंह के नेतृत्व में हर घर तिरंगा अभियान के तहत महानगर के सभी वार्डों में प्रभात फेरी निकाली गई व महापुरुषों की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया, जिसके संबंध में विधान परिषद सदस्य व क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉ. धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि देश की आजादी के 75वें अमृत महोत्सव के तत्वावधान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आह्वान किया है कि देश के हर नागरिक अपने घरों पर भारत की आन बान शान तिरंगा झंडा लगाएं और उसी के उपलक्ष में भारतीय जनता पार्टी जन जागरण अभियान के तहत अलग अलग स्थानों पर मोटरसाइकिल प्रभात फेरी का कार्यक्रम आयोजित कर रही है। उन्होंने कहा कि देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान देने वाले अमर शहीद भगत सिंह की मूर्ति पर माल्यार्पण किया और प्रभात फेरी का समापन किया गया। इस अवसर पर डॉक्टर सत्येंद्र सिन्हा, राहुल श्रीवास्तव, देवी श्रीवास्तव, ओम प्रकाश शर्मा, अवधीश अग्रहरी, मनोज अग्रहरी, अजय श्रीवास्तव, शिव प्रकाश शर्मा, रूपेश गुप्ता, अष्टभुजा श्रीवास्तव, शिवम पांडे, गौरव तिवारी सहित अन्य भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए विधान परिषद सदस्य एवं भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉ. धर्मेंद्र सिंह ने कहा, आज़ादी का अमृत महोत्सव देश अपने आज़ादी का 75वां वर्ष पूरा कर रहा है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आह्वान किया है कि देश के हर नागरिक अपने घरों पर भारत की आन बान शान का तिरंगा झंडा लहराएं और उसी के परिप्रेक्ष्य में
भारतीय जनता पार्टी भी जन जागरण अभियान के तहत अलग अलग स्थानों पर कहीं पदयात्रा, कहीं मोटरसाइकिल यात्रा, कहीं प्रभात फेरी के कार्यक्रम आयोजित किए। पूरे देश भर में यह कार्यक्रम चल रहा है। गोरखपुर महानगर में भी हमारे महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता के नेतृत्व में महानगर के सभी 70 वार्डों में इस प्रकार के प्रभात फेरी के कार्यक्रम चल रहे हैं। जैसे आज मंडल अध्यक्ष सिद्धांतो घोष के नेतृत्व में हम लोगों ने अलालतपुर वार्ड में प्रभात फेरी कार्यक्रम निकाला है। एक जन जागरण अभियान है ताकि देश का हर नागरिक अपनी आन बान शान का तिरंगा अपने घरों पर 13 अगस्त से लेकर के 15 अगस्त के बीच में लहराए, ताकि आज़ादी का ये जो 75वां वर्ष हम सब मना रहे हैं, जिनके नाते ये देश आज़ाद हुआ, उन महापुरुषों की मूर्तियों की सफाई करना, उन महापुरुषों के मूर्तियों पर माल्यार्पण करना, ये भी इस कार्यक्रम का एक हिस्सा है। और आज इसी कार्यक्रम के तहत हम लोगों ने अलालतपुर वार्ड में प्रभात फेरी निकाल करके घर घर जा करके एक जन जागरण का अभियान चलाया है, और आकर के देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान देने वाले अमर शहीद भगत सिंह जी की मूर्ति पर आकर के उनको हम लोगों ने माल्यार्पण किया है, पुष्पांजलि अर्पित की है, और यहाँ प्रभात फेरी का कार्यक्रम इस वार्ड का समापन किया है। आज़ादी का अमृत महोत्सव एवं रक्षाबंधन के अवसर पर विजय चौक स्थित एक निजी मॉल में सशस्त्र सीमा बल के जवानों द्वारा म्यूजिकल बैंड ने आज़ादी की मधुर धुन बजाकर लोगों को जागरूक किया, जिसके मुख्य अतिथि सशस्त्र सीमा बल के DIG राजेश लांबा रहे। इसके उपरांत मॉल के कार्यरत महिला कर्मियों ने सशस्त्र सीमा बल के सभी जवानों को राखी बांधी। कार्यक्रम के दौरान DIG राजेश लांबा ने पौधारोपण भी किया, जिसके संबंध में सशस्त्र सीमा बल के DIG राजेश लांबा ने बताया कि पूरे देश में आज़ादी का अमृत महोत्सव का अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें सशस्त्र सीमा बल का संयुक्त प्रयास है ताकि लोगों के बीच एवं जनमानस में राष्ट्रीयता की भावना और राष्ट्रप्रेम के तूफान को एक नई दिशा दिया जाए और सभी को मिलाकर देश की प्रगति के लिए अपना योगदान करें। उन्होंने कहा कि हर घर तिरंगे के साथ जो तिरंगे की भावना राष्ट्रप्रेम है वह लोगों के बीच जागृत है। हमारा प्रेम शांति का भाईचारे का संदेश है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए ब्लू कमांडो के प्रमुख उदय मिश्रा एवं सशस्त्र सीमा बल के DIG राजेश लांबा ने कहा, we'll be right back.
गोरखपुर के समस्त भाइयों, हमारे साथियों, बच्चों, मीडिया के बंधुओं, आप सब लोगों का एसएसबी सशस्त्र सीमा बल की तरफ से हार्दिक स्वागत है। ईडी मॉल और एसएसबी मिलकर के आप सबको धन्यवाद करते हैं कि आज जो पूरे देश में आजादी के अमृत महोत्सव का अभियान चला हुआ है उसमें आप लोग भी इसके प्रत्यक्ष दर्शी बने। तो मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा कि जो आप लोग मेरी बात सुन रहे हैं कि बैंड आपके लिए है, बैंड की धुनों में आप लोग जरूर नाचिए, थोड़ा सा अपना जोश भी दिखाइए और इस शाम को, इस इवेंट को और यादगार बनाइए और इस अभियान में अपना योगदान दीजिए। आई एम वेरी थैंकफुल दैट दिस हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड हियर इन अ वेरी ब्यूटीफुल मैनर एंड डेफिनेटली इट विल सेंड अ वेरी पॉजिटिव एंड वेरी एनकरेजिंग सिग्नल एंड मैसेज टू एवरीवन ऑल अराउंड दैट वी ऑल इंडियंस आर वन एंड आवर फ्लैग एंड आवर नेशनैलिटी एंड आवर लव एंड अफेक्शन एंड आवर बॉन्डेज विद the Indian national flag, we are ready to offer any type of sacrifice for its sanctity and for its high flyer future. उदय मिश्रा सर, ये आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा हम लोगों का, बीच चौराहे पे हमारा एक मॉल है, वहाँ पे हम लोग एसएसडी कैंप को जाके वहाँ पे डीआईजी को इनवाइट किए थे हम लोग। इनवाइट करने के बाद ये हुआ कि आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जाएगा और राखी बीरो के नाम की हम लोग कैंपेन कर रहे थे यहाँ पे, ठीक है ना, इन जवानों को राखी के बारे में बताया जाए कि राखी उनको बांधा जाएगा, ठीक है, उसी के व्यवस्था में हम लोग ये कार्यक्रम कर रहे हैं। ये है इस नाते है कि हम लोग 75वां साल आज़ादी का महोत्सव मना रहे हैं अपना, इस नाते माननीय मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री महोदय का आदेश था ये कि आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाएंगे, ठीक है ना, उसके परिप्रेक्ष्य में हम लोग ये काम कर रहे हैं, ठीक है ना, जहाँ से एसएसजी के जवान हमारे सारे खड़े हुए हैं, हमारे साथ कंधा से कंधा मिला के खड़े हुए हैं, ठीक है ना, और ये है कि आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाएंगे हम लोग। ये राखी का और आज़ादी का अमृत महोत्सव दोनों को कम्बाइन करके एसएसबी सशस्त्र सीमा बल और ईडी मॉल के एक संयुक्त प्रयास से एक छोटा सा प्रयास है ताकि लोगों के बीच में, गोरखपुर के जनमानस के बीच में राष्ट्रीयता की भावना और राष्ट्र प्रेम का जो एक तूफान उमड़ रहा है उसको एक नई दिशा दिया जाए और सबको मिलजुल करके एक संगठित होकर के देश के प्रगति के लिए अपना जितना भी योगदान कर सकें उसमें एक छोटा सा प्रयास हम सब ने मिलकर किया है और ये बहुत अनूठा और बहुत कामयाब प्रयत्न है। हर घर तिरंगे के साथ साथ तिरंगे की जो भावना है, जो राष्ट्र प्रेम है, वो लोगों के बीच में जागृत रहे, वो हमेशा कायम रहे, यही हमारा प्रेम का, शांति का, भाईचारे का संदेश है।
सेंट ड्यूज इंटर कॉलेज के तत्वावधान में हर घर तिरंगा कार्यक्रम के तहत महानगर में प्रभात फेरी यात्रा निकाली गई, जिसके संबंध में सेंट ड्यूज इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य आरबी सिंह ने बताया कि आजादी के 75वें वर्षगांठ के अवसर पर पूरे देश में आजादी का 75वां अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है और गुरुवार से पूरे देश में तिरंगा यात्रा निकाला जा रहा है, जिसको देखते हुए शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार नागरिकों को जागरूक करने के लिए प्रभात फेरी निकाला गया है, जिससे लोग जागरूक होकर 11 अगस्त से 17 अगस्त तक अपने घरों पर तिरंगा झंडा फहराएं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सेंट ड्यूज इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य आरबी सिंह ने कहा, सिंह प्रधानाचार्य सेंट एंड्रयूज इंटर कॉलेज गोरखपुर। यात्रा निकाला जा रहा है क्या उद्देश्य? भारत के आज़ादी का 75वें वर्षगांठ के अवसर पर पूरे देश भर में जोश और खरोश के साथ तिरंगा यात्रा निकाला जा रहा है, उसी क्रम में हमने भी शिक्षा विभाग के आदेशानुसार और जन साधारण को जागरूक करने के लिए राष्ट्रवादी विचारधारा से जुड़ने के लिए यह यात्रा निकाली गई है। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड मेडिकल एंड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव एसोसिएशन गोरखपुर इकाई के पदाधिकारियों ने जिलाधिकारी के माध्यम से प्रधानमंत्री को ज्ञापन प्रेषित किया, जिसके संबंध में सचिव अखिलेश कुमार उपाध्याय ने बताया कि हमारी मांग है कि नए लेबर कोड को समाप्त कर पुराने लेबर एक्ट को लागू रखा जाए। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश उत्तराखंड मेडिकल एंड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव एसोसिएशन गोरखपुर इकाई के उपाध्यक्ष आशीष श्रीवास्तव, प्रवीण द्विवेदी, सह सचिव एस के पांडे, देवानंद त्रिपाठी, अमित कुमार गुप्ता, कोषाध्यक्ष विनय कुमार गुप्ता, कार्यकारिणी सदस्य कुलदीप सिंह, दिलीप सिंह, संतोष कुमार सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए उत्तर प्रदेश उत्तराखंड मेडिकल एंड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव एसोसिएशन गोरखपुर इकाई के सचिव अखिलेश उपाध्याय ने कहा, इंकलाब जिंदाबाद, एफएमआरआई जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद, श्रम कानूनों में छेड़खानी बंद करो, बंद करो, बंद करो, श्रम कानूनों में छेड़खानी बंद करो, बंद करो, बंद करो। अखिलेश उपाध्याय नाम है, गोरखपुर यूनिट का सेक्रेटरी हूँ, मैं सचिव हूँ। आज हम लोग माननीय जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी को एक ज्ञापन दे रहे हैं, जो कि चार श्रम संहिताओं को जो है बदला जा रहा है, जिसमें हम लोगों का सेल्स प्रमोशन एम्प्लाई एक्ट भी है, जिसमें हम लोगों के काम के घंटे तय होते हैं, काम का प्रारूप तय होना चाहिए, और बाकी जो कंपनियां आज की मनमानी छटनियां कर रही हैं, अनावश्यक जो है डिजिटलाइजेशन करके हम लोगों के ऊपर अनइथिकल प्रेशर डाल रहे हैं,
और उसका कंपनियां फायदा उठा रही हैं, कानूनों का प्रभाव उनके ऊपर नहीं रह जा रहा है, इसके विरोध में माननीय प्रधानमंत्री जी को हम लोग माननीय जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से ज्ञापन देने जा रहे हैं। गोरखपुर न्यूज में आज के लिए बस इतना ही। जाने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। आजादी के 75वें अमृत महोत्सव एवं हर घर तिरंगा जागरूकता को लेकर जिला जज तेज प्रताप तिवारी के नेतृत्व में जिलाधिकारी एसएसपी एसपी सिटी सहित अन्य न्यायाधीशों संग हरी झंडी दिखाकर प्रभात फेरी को किया गया रवाना की अपील। कहा सभी लोग अपने अपने घरों पर जरूर लगाएं तिरंगा झंडा। एमएड प्रवेश परीक्षा की उत्तर पुस्तिका में माइनस मार्किंग को लेकर गोरखपुर विश्वविद्यालय के छात्रों ने किया विरोध प्रदर्शन। माइनस मार्किंग को गोरखपुर विश्वविद्यालय प्रशासन से हटाने की मांग। निपुण भारत के मंडलीय कार्यशाला का मंडलायुक्त रवि कुमार एनजी की अध्यक्षता में किया गया आयोजन। बच्चों को निपुण बनाने के लिए दी गई जानकारी। कहा 2026 तक सभी छात्रों को निपुण बनाने का है लक्ष्य। हर घर तिरंगा कार्यक्रम के तहत एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने अनुचर शिवचंद के आवास पर तिरंगा ध्वज फहराकर अभियान का किया शुभारंभ। एसपी सिटी ने कहा 11 अगस्त से 17 अगस्त तक पुलिस के सभी कार्यालय पर फहराया जा रहा है तिरंगा। विभिन्न कार्यक्रम किए जा रहे हैं आयोजित। जनपद में चल रहे विकास कार्यों की जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश ने विकास भवन के सभागार में की समीक्षा बैठक। कार्यों की प्रगति की धीमी गति पर जताई नाराजगी। कार्यों को समय अवधि में पूरा करने के लिए दिए निर्देश। आजादी का अमृत महोत्सव के अवसर पर नगर निगम द्वारा 12 किलोमीटर लंबी मिनी तिरंगा मैराथन प्रतियोगिता का किया गया आयोजन। 450 से ज्यादा युवाओं ने किया प्रतिभाग। नगर आयुक्त अविनाश सिंह ने कहा आम लोगों के मन में देशभक्ति की नई भावना को जागृत करने के उद्देश्य के लिए तिरंगा मैराथन हुआ आयोजित। चोरी के सामान के साथ एक शातिर चोर अमरधन चौहान को शाहपुर पुलिस ने किया गिरफ्तार। 3 मोबाइल चार्जर 3500 रुपए नगद किया बरामद भेजा जेल। हर घर तिरंगा अभियान के तहत महानगर के सभी वार्डों में भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी महानगर के कार्यकर्ताओं द्वारा निकाली गई प्रभात फेरी। अमर शहीद भगत सिंह की मूर्ति पर माल्यार्पण कर किया प्रभात फेरी का समापन। कहा देश के हर नागरिक अपने घरों पर भारत की आन बान शान के लिए लगाएं तिरंगा झंडा। जनमानस में राष्ट्रीयता की भावना और राष्ट्रप्रेम के तूफान को एक नई दिशा देने के लिए एक निजी मॉल में सशस्त्र सीमा बल के जवानों द्वारा म्यूजिकल बैंड ने आजादी की मधुर धुन बजाकर लोगों को किया जागरूक। एसएसबी के डीआईजी राजेश लांबा ने कहा हर घर तिरंगा लगाना है राष्ट्रप्रेम की भावना, देश की प्रगति के लिए अपना करे योगदान। हर घर तिरंगा कार्यक्रम के तहत सेंट न्यूज इंटर कॉलेज के तत्वावधान में महानगर में निकाली गई प्रभात फेरी यात्रा। लोगों को 11 अगस्त से 17 अगस्त तक अपने घरों पर तिरंगा फहराने के लिए किया गया जागरूक। उत्तर प्रदेश मेडिकल एंड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने जिलाधिकारी के माध्यम से प्रधानमंत्री को प्रेषित किया ज्ञापन। श्रम कानूनों में छेड़छाड़ पर रोक लगाने की मांग। अब मुझे दे इजाजत। नमस्कार।